نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا या मकलबालक़लूबी सब्बत क़लबी अलादीनिक आमीन अलामीन अल्लाम आलैक्म वरमी वर्क अल्लाह सुबहान ताली की तोफ़ी और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत बकरा की आयत नंबर 108 का आगाज़ करेंगे इस नीयत के साथ कि अल्लाह इसे हमारे लिए पढ़ना इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें आमीन आयत नंबर 108 के आगाज़ से पहले हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हमने आयत नंबर 106 और 107 वाले लेसन में क्या पढ़ा था और हम आज आयत नंबर 108 में क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आयत नंबर 106 और 107 में हमने देखा था कि अल्लाह सुखा वा तला ने हमें जो आयतें मनसूख हो चुकी हैं उसके बारे में बताया था हमने उस आयत की शान नजूल के बारे में भी पढ़ा था अहकाम अला ही मनसूख होने की कौन कौन सी सूरतें हैं उसके बारे में भी जाना था फिर आयत नंबर एक सौ सात में अल्लास सुखाना व फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताली ही है जो आसमान और ज़मीन की बादशाहत रखता है और अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हारा दोस्त या कोई मददगार नहीं है इसके बारे में भी हमने देखा था अब आयत नंबर 108 में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इसमें एक फिर से हमारी जो है तरबियत की जा रही है क्यों क्योंकि नबी वसल्लम से बहुत से लोग बेतुके सवाल आके करते थे तो अल्लाह क्या यहाँ पर फ़रमा रहे हैं इस बारे में हम देखते हैं कि मशरक़ी मुनाफ़ी और इसके अलावा यहूदियों के बारे में अल्लाह क्या कहा और उमत मुस्लिमा के लिए इसमें क्या पैग़ाम हैं तो चलें सबसे पहले आये देख लें फिर उसके बाद इन शर्जम और महतर इस पर बात करते हैं आऊज़ुब्ल मिनशन बसमलरह "أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل" ترجمة ديك अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या तुम इरादा रखते हो कि अपने रसूल से सवाल करो जिस तरह इससे पहले मूसा से सवाल किए गए और जो कोई ईमान के बदले कुफर को ले ले तो बेशक वो सीधे रास्ते से भटक गया यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने पीछे बनी इसराइल के हवाले से पढ़ा भी कि जब भी हज़रत मूसा सलाम सुखान वा ते से कोई शरीयत लेकर आते कोई यह काम लेकर आते तो बनी इसराइल उसमें हजरतें शुरू कर देती बहसें शुरू कर देती सवाल शुरू कर देती तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहूद ने एक और शोशा जो है वो छोड़ा लोगों से कि अब जाओगे तो ना ये सवाल पूछना सवाल पूछने का मकसद उनका क्या था सिर्फ़ और सिर्फ फितना फैलाएँ बहुत गौर फिक्र की आयत है यानी आज भी हम देखें कि हम मुकम्मल क़ुरान पढ़ने की तरफ नहीं आते जब क़ुरान तज़किया के साथ पढ़ रहे हों तफसीर के साथ पढ़ रहे क़ुरान की क्लासेस हो रही हों तो हमारे दिमाग में सवाल घूमने लग जाते हैं कि अच्छा पहले ये बताएं कि आपका मसलक कैसा है अच्छा फिर ये बताएं कि मर्द और औरत की नमाज़ में क्या फ़र्क है अच्छा फिर ये बताएं रफ़ल रफ़ल या दें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आज मुसलमान इस किस्म के सवालों में फंसे हुए हैं और भटके हुए हैं और इन सवालों की वजह से फिरकावारियत वारियत आम हो गई है शुरू की तरह वही बात अपने सामने रखें कि अभी तक अलहमद अल्हम्दुलिल्लाह हम 107 आयत को पढ़ चुके हैं अभी कोई फिकही बातें नहीं की याद रखें सूरत बकरा की इस आयत पे अभी से गौर फिक्र करें कि अभी इतने सवालतों में नहीं पढ़ना अभी तो हमारा कुरान का ये सफ़र है हमारा मसलक क्या है क़ुरान और अहदीस बस कुरान सुनत पर हमने गौरव फिक्र करना इस पर अमल करना है हमने वरना अगर आप इससे बढ़ के फिकही सवालों में अभी से पड़ जाएंगे ना तो आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे हमें इस बात से मना कर दिया गया है कि ईमान के बदले कुफर लेकर नहीं चलना हमने हमें इस आयत से बहुत से इसबाक मिलते हैं सबसे पहला बात यहाँ पर लिखें कि दीन इस्लाम आसान और सादा है इस पर ग़ौर वफ़िक्र करनी है हम करना है हमने फिर यहाँ पर इस साथ में सबक़ क्या है कि बहुत ज़्यादा सवाल से दीन को बोझल नहीं बनाना हमने ज़्यादा सवाल अखिलाफात को जन्म देते हैं मिसाल के तौर पर यहूद को गाय के कत्ल का हुक्म था उन्होंने सवाल पूछ पूछ कर उस हुक्म को मुश्किल बना दिया नबी वसम ने फरमाया किसी के सवाल पूछने से अगर कोई चीज़ हलाल चीज़ हराम हुई तो वो अल्लाह के गज़ब में आएगा यानी हलाल और हराम वाजिया है इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आगे जैसे जूस टू पर जाएंगे और आने वाली सूरतों पर जाएंगे तो हम उस पर जरूर बात करेंगे अब हम अपने लेसन को देखते हैं चंद सवाल के साथ कि यहां पर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं आयत पर दोबारा से गौर करें क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूलों से वैसे ही सवालात करो जिस तरह इससे पहले मूसा से किए गए तो अपने दिल से सवाल करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमारे सामने है नबी सल अला वसलम के साथ में कुछ हदीस लेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा बहसों में पढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी अब यहाँ पर हम गौर व फ़िक्र करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से सवाल करने की ख्वाहिश बहुत फित्री है इसलिए कि रसूल ही वो खस्ती होते हैं जिससे उलझनों का हल मांगा जाता है रसूल ही वो खस्ती है जिससे इंसानों को तरीका जिंदगी का पता चलता है इंसान के जहन में हर वक्त कश्मकश चलती रहती है कि क्या सही है या ये क्या ये गलत है लिहाजा मुसलमान सवाल करना चाहते थे मुसलमान यहूदियों के प्रोपोगंडों से मुतासर होकर भी सवाल कर रहे थे मुसलमानों को गैर जरूरी सवाल करने से रोका गया है यहाँ इसलिए कि गैर ज़रूरी सवाल से कुफर का अंदेशा पैदा होता है अल्लाह सुबह ख़ान वन फिफ्टी थ्री में फरमाते हैं अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप इन पर आसमान से कोई किताब उतार लाए सो वो तो यकीन मूसा से इससे ज्यादा बड़ा सवाल कर चुके हैं चनाचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह तला को बिल्कुल सामने दिखा दो यहाँ पर देखें कि ऐसे सवालात की ममानत है जिनका मकसद महज एराज करना और दीन में शिद्दत पैदा करना हो अब सवाल पैदा होता है कि अगर सवाल करने की ये ख्वाहिश फितरी है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने से मना क्यों किया गया है तो यहाँ पर थ्री पॉइंट लिखें कि मुसलमान मुसलमानों को रोका गया कि यहूदियों की तरह सरकशी से सवाल ना करो फिर दूसरी बात गैर ज़रूरी सवाल ना करो क्योंकि इसमें कुफर का अंदेशा है फिर तीसरा तीसरी बात कि कसरत से सवाल ना करो सवाल के बारे में इस्लाम का मौक़ ये है कि नसाद बिन अभी वक्स रज़ी अल्लाह तुमा से मरवी है कि रसूल सल वसम ने फरमाया मुसलमानों के हक़ में सबसे बड़ा मुजरम वो है जिसने ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं थी मगर इसके सवाल करने की वजह से हराम कर दी गई अलबुखारी सेवन टू एट नाइन सवाल करना इल्म की जरूरत है मगर ला यानी सवाल और मुतालबात के लिए नहीं की जाती इसलिए नजूल वही के दौर में सवालत करने से रोका गया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत अन्नहल आयत नंबर फोर्टी थ्री में सो अहले इलम से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते अल्लाह तला ने सवालत बरकरार भी रखे हैं अर्शाद वारी ताला है अल्लास सुखाना वा तूरत बकर टू वन नाइन में फरमाते हैं और आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं फिर अल्लाह ताला सूरत अल बकरा 220 में भी फरमाते हैं और आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं और ये तमाम तर्जाबा फिर अल्लाह व तआला ने अपनी वही की रोशनी में ज़ाहिर भी की और कुरान में अलहदुल्ला मौजूद भी हैं मुसलमानों को कसरत से सवालत और बेजा मुतालबात से क्यों रोका गया है तो लिखें सवालों की कसरत की वजह से इंसान राह रा से भटक जाता है ईमान की रविश इनकार की रविश से बदल जाती है नजूल कुरान के दौर में सवाल करने की वजह से ऐसी बातों का इम्कान था जो जाहिर होने पर बुरी लगती और सवाल की वजह से हलाल चीज हराम हो सकती है फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो कोई कुफर को ईमान के बदले में ले ले ईमान को कुफर से बदलने से क्या मुराद है यहाँ इससे मुराद ये है कि अगर ईमानी तरीका से हटोगे यानी अल्लाह तला के अहकाम की पाबंदी नहीं करोगे तो ईमान के बदले कुफर ले लोगे और सीधा रास्ता गुम कर दोगे फिर अल्लाह फरमाते हैं तो यकीन वो सीधे रास्ते से भटक गया अल्लाह तला ने ईमान को कुफर से बदलने का क्या अंजाम बताया है कि अल्लाह तला ने बताया कि ईमान को कुफर से बदलने का अंजाम गुमराही है जिस तरह बनी इसराइल इस गुमराही में पहुंच चुके हैं बहुत ही गौरव फिक्र वाली ये आयात है जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि इन जो चीज़ें हराम की गई उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले लेसन में दूसरे पारे में जब जूज में जाएंगे उस पर भी बात होगी तो हमें क्या करना है सबसे पहली बात बेजा सवाल से खुद को रोकें फिर यहाँ पर देखें कि हमें क्या करना है कि हराम को मुकम्मल छोड़ दें और हलाल को पकड़ लें बाकी शुबे वाली शक में डालने वाली जो चीजें हैं उनको छोड़ दें क्यूं? क्यों क्योंकि हदीस का ख़ुलासा सामने रखें और एल्म हासिल करने की कोशिश करें इल हासिल करेंगे तो फिर हम इन चीज़ों पर बात करेंगे क्यों क्योंकि अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है कि हर वो चीज़ छोड़ दो जो शक पैदा करती है ख़ुलासा है कि बेहतर यही है कि मकर चीज़ को भी हम छोड़ दें दुनिया में बेशुमार खाने हैं बेहतर यही है अहल ईमान होते हुए हलाल पर रहें और उल्टे सीधे सवालत नहीं करने चाहिए अब एक और सवाल पैदा होता है जिसमें हम स्टूडेंट और उसका उस्ताद का रिश्ता देखेंगे टीचर का कि इल्म हासिल करने से पहले हमें जो है सवालत नहीं इतने करने चाहिए जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो पूछें लेकिन वो भी जब आपकी क्लास चल रही हो जब उस पर मौजू पर बात हो रही हो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अभी ये आयत है और हम एक ही आयत पे बात कर रहे हैं आयत के मुकम्मल होने के बाद जब आप सुनते हैं और आपको समझने में मुश्किल होती है तो आप आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें अब होता अक्सर ये है कि अगर कोई लाइव सेशन होता है हमारा जैसे कि हम बैठ के कोई कुरान की बात कर रहे हैं और सामने आपके बहुत सारी खातीन हो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास हमत नहीं होती कम कम कमी की वजह से होता है क्या कि लोग कुरान की एक दो चीज़ों को सुनते हैं और वो उस पर बहस करने के लिए सवाल पूछ लेते हैं बेतुक् सवाल पूछ लेते हैं ताकि पढ़ाने वाले को गुस्सा आए ठीक है कौन सवाल कौन से सवाल फिर कवारीत के हवाले से सवाल फजूल के सवाल के अच्छा ये बताएं कि ये चीज़ें क्या इस फ़िरके में जायज़ हैं या इस चीज़ में जायज़ हैं ऐसी चीज़ों के बारे में अपनी ज़ुबान को हिलाते हुए एक नई लाख दफ़ा सोचिए क्योंकि ये अदब के खिलाफ है या कुरान की महफिलों के खिलाफ है ये बात अदब के भी खिलाफ है और गुस्ताही भी है या बात काट देना या फिर ये भी है कि एक इंसान अभी कुरान की आयत पे कुछ बातें कर रहा है बहुत से लोग कुरान को सुनने नहीं आते वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि यहाँ पर कौन से मसल की बात हो रही है तो एक ही चीज़ हमने सामने रखनी है कि हमने कुरान और सुन्नत पर बात करनी और इसी ट्रे इसी ट्रैक पर चलना है अभी हमने इसे हटना नहीं है क्यों क्योंकि हमारा काम अभी ग़ौर फिक्र है अभी तजकिया है हमने किसी पर भी उंगली नहीं उठानी अल्लाह सुबह व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब ख़ाना वा तिरका वारिय से आज़ादी दिलवा कर एक उम्मत बना दे और हमें कुरान पर गौर फिक्र करने की और सुन्नतों पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन अल्लाहुम आमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें उससे क्या होता है कि हमारे पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है काम करने में आसानी होती है और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके चीज़ों को लेके अल्लाह तला सबको ज़ख़ैरता अता फरमाए आमीन